मेरी मांग सिर्फ ये है कि हम लोगों को मिस में बहुत अच्छा खाना मिले। अगर हम लोग पैसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत टाटा बिरला के घर से बिलोंग कर रहे हैं, जितनी अफवाह है पैसे उड़ाने हैं, उड़ाने के लिए घर से मिलेंगे, नाप तौल के पैसे आते हैं घर से, अगर उसमें भी ढंग का खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे। एक अच्छा पढ़ाई पाने के लिए सबसे पहले मेंटली डिस्टर्ब होना ज़रूरी नहीं है। मेंटली अगर हम अच्छे रहेंगे तो बढ़िया से पढ़ पाएंगे। जब खाना ही अच्छा नहीं मिल रहा है तो हम लोग हेल्दी तो रह नहीं पाएंगे, तो पढ़ेंगे कैसे। और रहा बात अंजलि गुप्ता का, जब हम लोग मिस का प्रॉब्लम लेकर अंजलि गुप्ता के पास गए, जो कि हमारे हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट हैं, इतना गंदा व्यवहार कि हम लोगों के साथ, लड़कियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि हम लोग उन लोगों का इज्जत करें। वो इज्जत पाने के लायक नहीं। अगर हम लोग कुछ उन लोगों को बोले भी हैं तो सिर्फ गुस्से में आकर, क्योंकि वो हम लोगों को संस्कारहीन, हमारे माँ बाप के ऊपर उंगली उठाई है, नहीं तो हम लोग उन लोगों को कुछ नहीं बोलते। और रहा बात जहाँ तक डायरेक्ट हम लोगों को धमकी देकर गई हैं कि तुम लोगों को निकलना बंद कर देंगे, हम देखते हैं कि तुम लोग कैसे इस हॉस्टल में रहती हो, हॉस्टल को बंद करवा देंगे, अभी हम मेस बंद करवा देते हैं। सिर्फ इसलिए वो मेस बंद करवाई ताकि यहाँ से लड़कियाँ निकल सके, निकल कर चली जाए, ये हॉस्टल बंद हो जाए। उनका सिर्फ मेन मकसद यही था।